सेलफोन स्नैचिंग और सेलफोन चोरी की कई सारी वारदातों में मुलविस दो बदनाम जमाना शातिर व खतरनाक चोरों को हुमायूं नगर पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन की शिनाख्त मोहम्मद मुजफ्फर 28 साल साकिन गुलबर्गा, दूसरा मुलजिम सैयद गयास उम्र 28 साल जो कि शालीबंडा का रिहायशी है। आसिफ नगर ACP शिवा मारुति ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए दोनों शातिर चोरों की तमाम तर मुजरिमाना सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। बताया कि दोनों मुजरिम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है क्योंकि चोरी या फिर स्नैचिंग के दरमियान बीच बचाव करने वालों पर ये दोनों मोहल्लिक हथियारों से हमले भी किए करते थे। दोनों पर माजी में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत कई सारे केसेस भी दर्ज है। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 21 मोबाइल फ़ोन्स, 3 मसरूखा मोटरसाइकिल्स, 2 चाकू को भी जब्त कर लिया जो कि ये मुलजिमान जुर्म में इस्तेमाल किया करते थे। ACP ने बताया कि दोनों मुलजिमान की मुजरिमाना सरगर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों पर प्रिवेंटेटिव डिटेंशन यानी PD एक्ट भी नाफिज किया जाएगा। आइए जानते हैं मजीद तफसीलात। तारीख 30 दिसंबर पे हुमायूं नगर पुलिस इंस्पेक्टर नारायण रेड्डी, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर कोटेश्वर राव एंड SI अहमद पाशा के लीडरशिप में एक दो चोरों को अरेस्ट करे। वो लोगों का नाम है मोहम्मद मुजफ्फर गुलबर्गा का है और सैयद गयास शालीबंडा का। ये लोगों के पोजीशन से 21 सेलफोन्स, 3 मोटरसाइकिल, तीनों को 3 भी चोरी करे। सो मोटरसाइकिलें, वो मोटरसाइकिल के ऊपर ये लोग ये क्राइम कर रहे और ये दो नाइव्स भी, ये तो एक हंटिंग सिकल जैसा है और एक डैगर भी है। ये लोगों के पोजीशन से ये रिकवर करें। इसमें मोहम्मद मुजफ्फर अब तक पूरा 15 केसेस में इन्वॉल्व रहे 2019 से और जो गयास अब तक 2 केसेस में इन्वॉल्व हुए हैं। फिर ये दोनों मिलके लास्ट 1 महीने में 8 केसा करें। ये सेलफोन स्नैचिंग केस, सेलफोन चोरी केस ये करें, ये 3 मोटरसाइकिल को भी ये लोग चोरी करें। सो मोटरसाइकिल से ये लोगों के पोजीशन से ये नाइव्स, 21 सेलफोन्स और 3 मोटरसाइकिल भी रिकवर करें। आज ये लोगों का हाथ में एक बैग था, ये बैग में 21 सेलफोन्स भी थे। आज ये लोग थोड़ा डेंजरस भी है, क्यों बोले तो ये लोग कोई सेलफोन चोरी करने का टाइम पे अगर वो लोग जो सेलफोन का ओनर रेसिस्ट करे तो लोगों को चाकू भी बताते, वो लोग होना बोले तो अगर ज़रूरत पड़े तो अटैक भी करते उसको, उसके वो वजह के लिए ये यूज़ कर रहे लोग, ये इसको भी अरेस्ट करे, ये सीज करे। सो है तो बहुत अच्छा केस है। इसमें क्राइम टीम करुणाकर गौड़, श्रीनिवास, रमेश बाबू, साई किरण एंड HG होमगार्ड निरंजन गौड़ भी इसमें शामिल है। ये टीम में इसको पकड़े सो टीम में, और ये लोगों को PD एक्ट में भी अप्लीकेबल होने का चांसेस है। ये लोगों को हम PD एक्ट एडवाइजरी कमिटी से, PD एक्ट जो कमिटी से इसका एडवाइज लेके इसको PD एक्ट भी इनिशिएट करेंगे ये लोगों के खिलाफ। क्या काम करते हैं सर? नारंगी डीएम पेर पंचायत चपड़े जलसाल का अनुवाद पड़ी, ये लोग अरेस्टेड है ये लोग। और अब ऊपर जो 8 केसेस है ना, ये 8 केसेस में अब तक नहीं पकड़ा गए, अब तक नहीं।